दूसरा बड़ा मसला, जम्मू कश्मीर में दूसरा बड़ा मसला जो है वो डेली वेजेस को रेगुलराइज करना और सेंट्रल वेजेस एक्ट को इंप्लीमेंट कराना। जम्मू और कश्मीर के लगभग हर मुहकमे में हमारे डेली वेजर्स भाई अंधक मेहनत करते हैं, चाहे हम बात करें म्युनिसिपैलिटी की या लोकल बॉडीज की, या अगर हम बात करें अपने एसपीओ भाइयों की, या आंगनवाड़ी वर्कर्स की, या आशा वर्कर्स की, या पीएचई वर्कर्स की, या एनवाईसी एम्प्लॉयज की, या इरिगेशन और पीडीडी के डेली वेजेस की, चाहे हम बात करें रहबरे खेल, रहबरे सेहत या रहबरे जिरात की, हमारे डेली वेजर्स भाई पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे डेली वेजर भाइयों को उनकी खिदमात के एवज ना ही सेंट्रल वेजेस ना ही रेगुलराइज किया जा रहा है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इन मुहकमों की पूरी बागडोर हमारे डेली वेजर भाइयों के कंधों पर, और अगर ये डेली वेजर भाई ना होते तो ये सारे डिपार्टमेंट्स डिफंक्ट हो जाते। राहत की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार डेली वेजर भाइयों को लेकर संजीदा, और जल्द ही एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जा रही है जो डेली वेजर भाइयों को रेगुलराइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में लेकर आ रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के पास और भी कई सेक्टर्स में चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, या अगर हम बात करें अपने हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की, या टूरिज्म को बढ़ावा देने की, या अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, या बेहतर तालीमी निजाम बनाने की, या उन स्कूलों को बहाल करने की जिन स्कूलों को नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मर्ज किया गया या क्लोज किया गया, तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को यह चैलेंज रहेगा कि उन स्कूलों को फिर से बहाल करना। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को एक बड़ा मैंडेट दिया गया और अब देखना यह होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों पर खरा उतरेगी। जनाब, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके तमाम मसाइल को सरकार तक पहुंचाऊंगा और उन्हें रिड्रेस कराने की पूरी पूरी कोशिश करूं। हम ये आशा करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में फिर जम्मू और कश्मीर में अमन तरक्की बहाल होगी।